वक्त मौजूद हैं कराची में इमेजिनर रोड पर वाके लाइट हाउस पर, जहां पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी यहां पर एसी की जानिब से कोई गाड़ी मौजूद नहीं है, जबकि ऑपरेशन जारी है। इसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। आए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि उसके बाद की सूरत हाल से हमें आगाह करें। जी आप मुझे पहले अपना नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है जी। और हमारा इधर दुकान था लेट हाउस में, एक मैंने 6 महीने पहले ये दुकान लिया 40 लाख रुपए का जी। तो अभी ये गिरा दिया, मुकम्मल साफ कर दिया, अभी कोई मुतबादिल नहीं मिला और कोई मुतबादिल का आवाज़ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हमारा गुजारिश है कि मतलब हमें मुतबादिल फ्राहम करें। और हम कहाँ जावे अभी, इधर हम नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, इसी रोड में बैठा रहेगा, हम जाएगा नहीं। तो बराए मेहरबानी हमें मुतबादिल जगह प्रायम करें। और ये दुकानें, ये लोग, ये बच्चे, इसमें से कम 600 दुकानें, 6000 लोग बेरोज़गार हो गया। तो ये लोग जो बेरोज़गार हुए हैं यहाँ पे, जो आप लोगों की यहाँ पे दुकानें थी, तो उसके इन लोगों ने सरकारी तौर पे कोई आपको पेपर्स वगैरह दिए थे या इलीगल बैठे हुए थे, या मतलब लीगली तौर पर आप लोग यहाँ पर मौजूद थे? तो ये तो केएमसी का था, हमारे पास केएमसी का कागज़ है और कोई ऐसा बात नहीं, हम 60 साल 70 साल से यहाँ बैठे हुए थे काम करते हुए। यहाँ पे कोई 600 के करीब दुकानें थी जिसकी वजह से लोग मुतासिर हुए हैं और जिसके लिए हुकूमत ने अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाए हैं और सारी मार्केट को यहाँ पे तोड़ दिया गया है। जी आप बताएं, ये सब लोग जो है ना भाईजान इतने बेरोजगार हो गए, ये देखो हम दरबार से ला कर ये चौल खा रहे हैं, अपना वक्त पास कर रहे हैं, इन लोगों का ज़रा तरस नहीं है कि किसी के ऊपर कोई एहसास करना कि नहीं करना, वोट लेने के लिए या हमारे मिन्नतें करते हैं, जब ये पास हो जाते हैं हम इसके पीछे पीछे ये आगे आगे होते हैं। ये सब लोग गरीब इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, कोई आदमी के दिल से कोई दुआ नहीं निकल रही, सब के बद दुआ निकल रही है कि अल्लाह इसका बेड़ा गर्क कर दे, इन लोगों के बाप दादे की जहन दाद की जो है ना गर्क कर दिया सबका। आप हमारे चैनल के तवसुस से हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो भी है सरबरा अच्छा है और जो है ना लोगों को बेरोजगारी रोज़गार मिलना चाहिए। ठीक है, जिसने भी कमाना अपने नसीब कमाने हैं, मगर कम से कम बैठने के लिए जगह तो मिले, जब जगह ही नहीं होगी वह किधर कमाएगा। चलें जी, आपने देखा कि लोग कितने परेशान हैं यहाँ पर और उनके लिए हुकूमत ने इनका कहने के मुताबिक अभी तक कोई इकदाम नहीं उठाए हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ भी तवज्जो दे। कैमरामैन मुस्तईब अहमद के साथ सफदर अब्बास, जिद्दत न्यूज़ कराची।